हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपकी नीट एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है और लगातार मेरे पास स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर। समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बचा हुआ समय है इसमें किस चैप्टर को कितना समय देना चाहिए, कहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से न्यूमेरिकल बनेंगे, कौन सा चैप्टर थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए और कौन सा आपके न्यूमेरिकल के लिए। साथ ही ऐसे कौन से वो चैप्टर हैं जो आपके लिए थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और मैं बात आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैं बिल्कुल यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि जो चैप्टर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ केवल वहीं से ही क्वेश्चन आएगा। मैं बस आपकी यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस बचे हुए समय में आपको किन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इन चैप्टरों को अगर आप करते हैं तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा थ्योरेटिकल पोर्शन की कि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है आपके कहाँ से ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला चैप्टर आपको ध्यान रखना है वो है आपका सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे बनते हैं और पूरा सरफेस केमिस्ट्री से आपके मैक्सिमम दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि सरफेस केमिस्ट्री आप बिल्कुल भी छोड़ कर ना जाए। यहाँ पर आपके लिए एडजॉर्प्शन के बारे में पूरा पता होना चाहिए, केमिकल क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, आपकी फ्रेंडुलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। तो ये जो है सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आपके थ्योरी के बेसिस पर जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है आपकी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में भी आपके दो क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं। कभी कभी इससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे दिया जाता है लेकिन उसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। मैक्सिमम जो चांस आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ही रहते हैं सॉलिड स्टेट से। तो यहाँ पर आपके लिए क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके जो डिफेक्ट होते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया, आपका फ्रैंकेट डिफेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही आपको याद रखना है कि आपका जो आपकी सेल होती है आपकी SCC क्या होती है, FCC क्या होती है, BCC क्या होती है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके के बनते हैं उनको ज़रा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो होते हैं आपके कि मान लीजिए कि आपका फेस सेंटर जो है वो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आपको दे देगा, मान लीजिए एक्स और वाई, और कह देगा ये कॉर्नर पर लगा हुआ है, फेस पर लगा हुआ है, ये वाई जो है आपका वो एज पर लगा है, तो ये हटाने पर या फिर आपका किसी एक कॉर्नर से हमने एटम हटा दिया तो फिर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। बहुत ही सिंपल टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इनकी ज़रूर प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके लिए अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ये दो चैप्टर आपके हो गए थ्योरी थ्योरी के लिए, इसमें आपसे ज़्यादातर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आपसे बनते हैं, ठीक है। अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है आपके फॉर्मूला बेस्ड, कि आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके कहाँ से बनेंगे। फिर मैं आपसे बात करूँगा फॉर्मूला और थ्योरी दोनों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड में सबसे पहले जो आपका आता है वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपके तीन क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ से बन सकते हैं, जिसमें एक तो आपका थ्योरेटिकल होगा हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका क्वांटम नंबर यहाँ से बनेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपके क्वांटम वाले क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं क्वांटम नंबर बताने के लिए। और तीसरा जो होता है आपका यहाँ से रेडियस, एनर्जी, इनके फॉर्मूले आप देखेंगे, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सीधे सीधे फॉर्मूले हैं और वहाँ से उठा के आपको रख दिया जाता है और सीधे सीधे आपसे वहाँ से पूछ लिया जाता है आंसर, ठीक है। तो ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसको तो मैं बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कहना चाहूँगा कि इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से कर लिया है यहाँ केमिस्ट्री में तो इसका फ़ायदा जो है आपको फिजिक्स में भी हो जाएगा। तो टोटल अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो वो आपके 5 नंबर के लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 क्वेश्चन के लिए। 3 आपके मानकर चलिए आप केमिस्ट्री में और 2 क्वेश्चन आप अपने फिजिक्स में भी मानकर चलिए, हो सकता है 3 क्वेश्चन भी फिजिक्स में आ जाए, तो ये दोनों में ही आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो। दूसरा आपका जो है यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड और आपके सीधे सीधे क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं आपके केमिकल काइनेटिक्स से। हाफ लाइफ पूछ लेगा और आपके फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर इस तरीके से आपसे पूछ लेगा, यूनिट पूछ लेगा, ठीक है, ऑर्डर देख के यूनिट बताओ, यूनिट देख के ऑर्डर बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे, तो ये भी आपका यहाँ से हो जाता है। तो ये दो हो गए यहाँ पर आपके फॉर्मूला बेस्ड।
अब जो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ वो ये है कि फॉर्मूला और थ्योरी दोनों के लिए ही आपके कौन कौन से चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो है आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो दोनों के लिए ही ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मैं पांचवा चैप्टर आपके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले है सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स और अब आता है आपकी ये थर्मोडायनेमिक्स, तो इसको आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, दो क्वेश्चन बनने के चांस हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में आपके दो क्वेश्चन तो बनने के चांस हमेशा ही रहते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन के लिए ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट, एक भी बनता है ऐसा नहीं है दो ही बने। आपका जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल, मिनिमम एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा। तो थ्योरी आप कंप्लीट कर लीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है दो नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी और आपका यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक जो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है आपका गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट आपका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन जो चैप्टर मैंने बताए हैं इनसे तो आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, और ये इतने ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है आपको, ठीक है। एक और बचता है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपके केमिकल काइनेटिक्स तो मैं बता चुका हूँ, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो आपके होते हैं ना, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ना भी पढ़ पाएँ क्योंकि वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम जो है आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो ये जो चैप्टर मैंने आपके लिए बताए हैं इनको जरूर करके जाइएगा, ठीक है। और अगर आप जो आपका जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रो आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रो की थ्योरी जो है वो पढ़ लीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आता है तो वो आपसे सीधा सीधा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में इनको तो बिल्कुल भी छोड़कर आपको नहीं जाना है। ये बात हो गई आपके कि कहाँ से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से न्यूमेरिकल। मैं काफ़ी स्टूडेंट के काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे तो इस पर मैंने ये आपके लिए बना कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप इनको तो कम से कम करके जाएंगे ही और फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स यहाँ पर स्कोर करेंगे। अगर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चलते चलते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए यहाँ पर दे दूँ कि मैं आपके लिए यहाँ पर करा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अनअकैडमी पर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी है लिंक स्टूडेंट को नहीं मिल रहे थे तो मैं बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाइए। अभी आपका स्टार्ट ही लगभग हुआ है और कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो हमारा लक्ष्य है कि हम 12 अप्रैल तक आपका ख़त्म करा दें, ठीक है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए। बहुत सारे लोगों को अनअकैडमी समझ में नहीं आ रही है, ये जो लिंक मैंने दिया है ये आपको हर जो जितने भी कोर्स अभी मैंने वहाँ पर आपके लिए डाले हैं उन सभी का ही लिंक है। तो आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे आपको सभी का ही लिंक मिलेगा, जिस लिंक पर भी आप क्लिक करेंगे पर्टिकुलर कोर्स पर आप जाएंगे वहाँ पर जितने भी लेसन हैं उनको देख लीजिए। हर लेसन आपका ज़्यादा देर का नहीं है, 10 से 15 मिनट का लेसन होगा, ठीक है। आराम से आपका सारे टॉपिक जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो सभी के सभी वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा, इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं आपके लिए यूट्यूब पर दे ही रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सो स्टूडेंट, अब आप YouTube के साथ साथ मेरे सभी वीडियो लेक्चर अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं, जो कि आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। अभी अनअकैडमी पर मैं आपके लिए करा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स, जहाँ मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फटाफट से अभी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ मुझे सर्च करिए डॉक्टर विशेष पारसरी के नाम से।
यहाँ आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे कि जैसे ही मेरा कोई वीडियो लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप समय से अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाएँ। यहाँ डेली अनअकैडमी पर मेरे 2 से 3 वीडियो लेक्चर अपलोड होते हैं। याद रखिए, यहाँ सभी वीडियो लेक्चर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एक भी पैसा आपको नहीं देना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको अपने सभी लेक्चर का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ क्लिक करके भी आप मेरे सभी लेक्चर अनअकैडमी पर देख सकते हैं।